हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए एक न्यू नर्सिंग रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ। और इस रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑल इंडिया के नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल जानने के लिए एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। साथ ही वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के किसी भी वीडियो का आप फ्यूचर में कभी भी मिस नहीं करोगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो की डिटेल स्टार्ट करते हैं। इस वैकेंसी को निकाला है हिमाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ पोस्ट है 264, नेम ऑफ पोस्ट स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स की 264 पोस्ट हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निकाली है। एज लिमिट क्या होगी इस पोस्ट के लिए, 18 से 45 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और एज में जो रिलैक्सेशन है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है 10+2 एनी स्ट्रीम, लेकिन जिन लोगों ने 10+2 साइंस से की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा एक ग्रेड GNM डिप्लोमा जनरल नर्सिंग का, या फिर जिन्होंने BSc नर्सिंग की है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी नर्सिंग है वो कंप्लीट हुई हुई होनी चाहिए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी कैंडिडेट्स हैं उनको इस वैकेंसी में प्राथमिकता दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखा जाए। सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है 10,300 से लेकर 34,800 तक पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। अच्छी सैलरी है, इसलिए सभी को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। सिलेक्शन किस तरह से होगा, सिलेक्शन होने वाला आपका इंटरव्यू के द्वारा या फिर रिटन टेस्ट के द्वारा। ज़्यादा संभावनाएं इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन होने की यहाँ पे होती है, तो कैंडिडेट्स ज़रूर अप्लाई करें। अब है कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो क्या होने वाली है, तो 15 मई 2019 तक हिमाचल प्रदेश के जो साधारण एरिया है, और हिमाचल प्रदेश के अलावा स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं जो साधारण एरिया के रहने वाले हैं वो 15 मई 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो ट्राइबली एरियाज है, जैसे हिली एरियाज है जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी है और अदर स्टेट्स के भी है, तो ट्राइबली एरियाज के जो कैंडिडेट्स हैं वो 31 मई 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म है वो फिलअप किए जाएंगे, कैसे फिलअप करने हैं वो भी बता देता हूँ। कोई भी फॉर्म का फॉर्मेट भी यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है। इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स को जो डेट मैंने बताई है 15 मई और 31 मई 2019 रिस्पेक्टिवली, वहाँ तक आपको सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, डिप्लोमा है और इनकी एक अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट लेकर आपको, जो आगे एक एड्रेस बताऊंगा वहाँ पर आपको पहुँच जाना है, और एक जो सेल्फ बायोडाटा फॉर्म है वो भी फिलअप करके लेके जाना है, आपको पर्सनली जाना है और वहाँ पे सबमिट करवाना है। एड्रेस आगे बता दूंगा। इसके अलावा आपको SC ST OBC और IRDP का कोई अगर सर्टिफिकेट है जो कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा इशूड किया गया है, तो वो भी आपको लेटेस्टली ओरिजिनल लेके जाना है। कहाँ पे जाना है, हिमाचल प्रदेश का जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको जाना है। और हिमाचल प्रदेश का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये शिमला में पड़ता है, तो आपको वहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनके फोटोकॉपी का सेट और एक बायोडाटा फॉर्म लेके जाना है। और वहाँ पे आपको डायरेक्टरेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश शिमला को सबमिट करवाना है। उसके बाद में आपका कॉल अप लेटर दिया जाएगा, उस कॉल अप लेटर के आधार पर आपका इंटरव्यू या वो रिटन टेस्ट वहाँ पे होने वाला है। ज़्यादा संभावना इंटरव्यू होने की है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होने वाली ये वैकेंसी है, एक साल का प्राइमरी तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा, उसके बाद में आगे बढ़ा भी दिया जाएगा। और पूर्व में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हिमाचल प्रदेश में लगे हुए कैंडिडेट्स थे उनको सरकार ने परमानेंट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो फ्यूचर में हो सकता है आपका भी वहाँ पर परमानेंट की तरफ सलेक्शन
हो जाए। इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो ऑफिशियल साइट है उसको भी ओपन करके देख सकते हैं। तो ये होगी एक इम्पोर्टेंट और अच्छी वैकेंसी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें सभी दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल कर लो सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो। इस वैकेंसी के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।